सच बताऊं मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं ये फतेह शिकस्त नाम की इस फिल्म का हिस्सा बन पाया। जिस चैप्टर पर ये बेस्ड है, शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के जीवन के जिस एक पर्टिकुलर चैप्टर पर ये बेस्ड है कहानी, वो मैंने भी किताबों में पढ़ा था। और शाइस्ता खान जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ वो अपने आप में एक बड़ा फिगर था। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं एक मराठी फिल्म करूँगा और वो पीरियड फिल्म होगी। आई थिंक कुछ चीज़ें कहते हैं ना जो ज़िंदगी में होनी होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाया। सी कुछ एक्टर्स थे, समीर को मैं पहले से जानता था, काम नहीं किया था। मृणाल कुलकर्णी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं और मैंने साथ में उनके काम भी किए कई साल पहले। लेकिन जितने भी एक्टर्स थे, एक कॉमन चीज़ क्या थी कि सारे एक्टर्स जो थे कहीं ना कहीं उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग कमांड था अपने अपने फील्ड में, चाहे वो मराठी थिएटर से थे, चाहे वो मराठी सिनेमा से थे, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एक्टर्स थे, तो अपने काम जानते थे। तो सिर्फ भाषा का फ़र्क था। और मेरे लिए आई थिंक पूरी फिल्म में सिर्फ मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं था लेकिन अब बन गया हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक्टर की कोई ज़ात नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है एक्टर की ना तो कोई भाषा होती है, ना उसकी कोई ज़ात होती है, ना उसका कोई जैसे कहते हैं ना कि वो किस रीजन को बिलोंग करता है। एक्टर एक एक्टर होता है, उसका काम ही यही है कि वो जो भी किरदार करे उसमें ढल जाए, वैसा बन जाए। तो मुझे किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं हिंदी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मराठी फिल्म कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था। एज एन एक्टर मुझे लग रहा था कि मुझे कास्ट करते वक्त लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव रोल में एक नाइस अच्छा आदमी। मुझे एक ऐसा रोल करना था जो नेगेटिव हो, लेकिन हाँ ये नहीं तैयारी की थी कि नेगेटिव हो और पीरियड फिल्म हो। तो मज़ा बहुत आया क्योंकि स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर था, अपने आप में लार्जर देन लाइफ फिगर था। ऐसा कैरेक्टर था जिसके बारे में हमने सुना है, किसी ने उसको देखा नहीं है कैसा होगा। तो ये डायरेक्टर की मदद से और जो भी थोड़ा मेरी अपनी एज एन एक्टर समझ थी, जो मुझे समझ में आया इस रोल को देखकर, उसका एक कॉम्बिनेशन, एक इमेजिनरी कैरेक्टर हमने बनाया। जो भी शाइस्ता खान रियल इंसान थे लेकिन वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे बात करते थे, ये हमें नहीं पता। लेकिन कोशिश हमने ये की है कि जो उसका अपना किरदार का इमोशन है वो कन्विंसिंग लगे, लोगों को ये ना लगे कि ये मेलो ड्रामा हो रहा है। सो वो पूरी कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये भी अपने मराठी डायरेक्टर्स को बता दूँ कि अगर कोई ऐसा रोल होगा जिसमें मुझे मराठी भी बोलनी पड़ेगी तो डोंट वरी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा ना, एक्टर की कोई भाषा नहीं होती। एक एक्टर अपने रोल को पूरी शिद्दत से तैयार करता है, तो अगर मुझे किसी किरदार में मराठी बोलनी भी पड़ेगी और मैं और फ्यूचर में मराठी फिल्में करूँगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो रोल अच्छा हो, कहानी अच्छी हो।